सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर चना, गेहूं, मसूर की खरीदी जोरों पर है, पर क्या इस खरीदी के पीछे किसी बड़े घोटाले की पटकथा लिखी जा रही है? पिछले 10 दिनों में जो नरसिंहपुर के हालात बने हुए हैं उससे यही जाहिर हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख और सैंपलिंग के बाद किसानों से लिया जा रहा अनाज सरकार द्वारा अनुबंधित गोदामों में आते आते बदलने लगता है और साफ सैंपलिंग किया अनाज बदलकर अमानक, कीड़े युक्त और मानव के खाने अयोग्य हो जाता है। खुद गोदाम संचालक बताते हैं कि 2019-20 की खरीदी बोरियों के साथ 2017-18 की बोरियों में अनाज आ रहा है, जिसे जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया है, जो कि 3 ट्रक गेहूं कीड़े युक्त और घुना हुआ है, जो इंसानों के खाने योग्य नहीं है, जिसे काला बाजारियों और खरीदी समितियों और अधिकारियों की मिलीभगत से गोदामों में भेजा जा रहा है। क्या शुभ नाम है आपका, किस पोस्ट में? राजेश पटेल, पटेल वेयर हाउस का ओनर हूँ। माता जी हमारी ओनर हैं, उनका सारा काम मैं देखता हूँ। भाई अभी हमने देखा गुना हुआ गेहूं आया है, तो क्या परेशानी आया आपके लिए इससे? सर पूरा गेहूं खराब हो जाएगा गोडाउन का, जो सड़ा हुआ घुना हुआ गेहूं आया है उसकी वजह से एक स्टैक के चक्कर में सारा माल कीड़े से दूषित हो जाएगा। कितना माल अभी तक गुना हुआ मिला है और क्या संभावना लगती है? संभवतः 3 ट्रक अभी आ चुके हैं और जो अभी गाड़ियां खड़ी हैं उनमें अभी खाली होने पे पता चलेगा कितना और खराब निकल रहा है। गुना हुआ माल ऐसा कि पिछले साल का माल आ रहा है? हाँ, उनमें कुछ 17-18 की बोरियां आई जिनमें टैग मैंने अभी देखे हैं, लिखा हुआ देखा है, हमारे मीडिया के बंधुओं ने भी उसकी फोटोग्राफी की है, आप भी देख चुके हैं, 19 का भी है। तो ये सारी समस्याएं हैं और पाउडर बन के आ रहा है माल जिसमें जिंदा कीड़े चल रहे हैं। अब इसका जवाबदार कौन होगा? जब माल ये पूरा उसके वजह से सारा खराब होगा तो इसका जवाब कौन देगा? हम वापस किस तरीके का माल देंगे सरकार को? ये पुरानी पिछली सोसाइटियों का माल, ये 2-3 साल पुराना माल है कम से कम, जिस पोजीशन में आ रहा है तो वही माल जी, पुराना ही माल है ये, 2-3 साल पहले का माल आ रहा है कम से कम, नहीं निपट पाया इसको दोबारा। या तो व्यापारी दे रहे हैं या जहाँ से भी आ रहा है, किसानों का नहीं हो सकता ये। किसानों का बोरे, 2 बोरे 4 बोरे सड़ सकता है। मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद खेती कर रहा हूँ, मुझे पता है कितना गेहूँ अपना नष्ट हो सकता है। बिल्कुल 100% काला बाजारी है ये, संभवतः वही माल आ रहा है। राजेश पटेल। बीते सप्ताह ही नरसिंहपुर की गोटे गांव मंडी से जिला प्रशासन ने 800 क्विंटल अमानक घुना हुआ चना जब्त किया था और प्रशासन द्वारा गठित जांच टीम के प्रतिवेदन पर पुलिस ने लगभग 1 दर्जन लोगों पर 420 का मामला दर्ज किया था, जिसमें व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी और खरीदी समिति के कर्मचारी थे, जिसमें से पुष्पेंद्र पटेल नामक समिति के कर्मचारी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन सुसाइड नोट में पूरे कालाबाजारी के खेल और उनके खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। पुलिस भी मान रही है कि जाँच में नए नए तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं और जाँच निरंतर जारी है। राजस्व विभाग और पुलिस की जांच से और भी खुलासे होंगे और घोटालेबाजों पर शिकंजा कसा जाएगा। मामला था, एक सुसाइड भी हो गई है, आज भी गेहूं पकड़ा है, लगातार क्रम से क्रम बातें होती जा रही हैं, मानक खाद्य पदार्थ पकड़ा रहे हैं। क्या सर अभी तक पुलिस ने काम उसमें किया है, क्या कर रही है? हाँ, उसमें जैसा कि ये कायमी जो हुई है अमानक चना खरीदी को लेकर हुई है, इसमें जो जांच प्रतिवेदन है जिसमें 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था प्रथम दृष्टिया, उसमें एक व्यक्ति की जो है वो उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। जो इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास अभी जबलपुर से अवेटेड हैं और इसमें जो बाकी तथ्य आ रहे हैं कि उसमें बाकी लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है, जितने भी लोग इसमें खरीदी में इन 4ों को छोड़कर भी होंगे, उनको भी हम विवेचना का हिस्सा बनाएंगे और आरोपी बनाएंगे। ये जो सारा विषय है ये 2 क्रम में चल रहा है, एक पुलिस की विवेचना जो है थाना जो 420 के अंदर जो चल रही है और जो राजस्व में जो मामला चल रहा है कि इसकी पूरी प्रकरण की जांच चल रही है, तो दोनों को समावेश करके हम इस प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। सर जो मृतक आरोपी है पुष्पेंद्र पटेल जिसने आत्महत्या की है, उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, उसमें 18 बंदों का सुसाइड नोट है, उन कई आरोपियों के नाम लिए हैं। वो सुसाइड नोट जो है वो हम उसको देख रहे हैं, उसमें जिस भी भूमिका रही है, जो जो उन्होंने नाम लिए हैं उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें हर एक आदमी की भूमिका क्या रही है पूरे मामले में, और उस हिसाब से विवेचना में हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो सीसीटीवी वाले 2-3 मामले हैं, आप लगातार जांच भी कर रहे थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को निवाला बनने वाला समर्थन मूल्य का अनाज की एक पखवाड़े के भीतर ही पहले 800 क्विंटल चना, फिर डीएम वेयर हाउस में अमानक गेहूं और मसूर की बड़ी खेप पकड़े जाना और आज फिर नरसिंहपुर की पटेल वेयर हाउस में 3 ट्रक कीड़े युक्त 2017 का गेहूं की जब्ती से कलेक्टर भी बड़े हैरान।